जगह बड़े बड़े उद्योगपति को 27 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज माफ कर दे रहे हैं, और एक तरफ एक गरीब का बेटा अगर 5 लाख रुपया लोन लेने के लिए जाए तो उसको आप 6 महीना धक्का खिलाते हैं, उसके सारे जमीन जायदाद लिखा लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं, और एक तरफ अन्नाडी है जिसको 6 लाख करोड़ रुपया लोन दे देते हैं, वो लोन लेके भाग भी जाते हैं, कुछ लोगों को आप माफ कर देते हैं। सहनी ने जेडीयू में बड़ी सेंधमारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी वीआईपी का दामन थामा है। प्रदेश में कभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने जेडीयू को अब तगड़ा झटका दिया। गोपालगंज के जेडीयू के वरिष्ठ नेता आलोक पटेल को अपने समर्थकों के साथ मुकेश सहनी ने वीआईपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित भी किया। आप उसको भगवान का रूप दीजिएगा, अगर किरदार समझ में आएगा तो शैतान का रूप दीजिएगा, किरदार समझ में आ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर आप कहिएगा, और किरदार समझ में आ गया तो आप रावण कहिएगा। उसी तरीके से हर व्यक्ति का किरदार है, मेरी भी किरदार है। इस दौरान मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार को दहशत पैदा करने वाला तानाशाह सरकार और लोकतंत्र के लिए खतरा बता डाला। अभी तानाशाह सरकार है देश में और वो जमीन उसकी खसक चुका है, वो सिर्फ दहशत बनाना चाहता है देश पे कि नहीं अभी भी हमारे पास पावर है, और वो पैसे के दम पर आप देखिए ना देश कहाँ पहुँच रहा है। आटा पे जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, छाछ पे जीएसटी लागू कर रहे हैं, नौकरी 4 साल का सरकारी नौकरी कर दिए, आप बताइए 4 साल का सरकारी नौकरी आप बताइए कि किस तरीके से देश जा रहा है। एक जगह बड़े बड़े उद्योगपति को 27 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज माफ कर दे रहे हैं, और एक तरफ एक गरीब का बेटा अगर 5 लाख रुपया लोन लेने के लिए जाए तो उसको आप 6 महीना धक्का खिलाते हैं, उसके सारे जमीन जायदाद लिखा लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं, और एक तरफ अन्नाडी है जिसको 6 लाख करोड़ रुपया लोन दे देते हैं, वो लोन लेके भाग भी जाते हैं, कुछ लोगों को आप माफ कर देते हैं, वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं, यानी कि पटना से दिल्ली जाना है तो 15 लाख रुपया खर्चा करता है, अभी हमारे जैसे लोगों को दिल्ली जाना है तो 6,000 खर्चा करते हैं, वो जनता का पैसा तो दुरुपयोग करते हैं, और तो फिर कंपनी लॉस में होगा, और जब कंपनी लॉस में होता है तो भारत सरकार उनको कुछ माफ पानी लेकर उनको माफ कर देता है, और जब माफ कर देता है तो भारत सरकार का खजाना में दिखता है कि कम है पैसा, तो कैसे पैसा आएगा, तो चलो आटा पे टैक्स लगा दो, दूध पे टैक्स लगा दो, तो इस तरीके का आज देश चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है। इसके साथ ही जेडीयू नेताओं के वीआईपी में शामिल होने पर सहनी ने विश्वास जताते हुए कहा है कि इन लोगों के आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। अब जेडीयू से एक साथ इतने लोगों के निकल जाने से जेडीयू पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुकेश सहनी ने जेडीयू में बड़ी सेंधमारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी वीआईपी का दामन थामा है। प्रदेश में कभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने जेडीयू को अब तगड़ा झटका दिया। गोपालगंज के जेडीयू के वरिष्ठ नेता आलोक पटेल को अपने समर्थकों के साथ मुकेश सहनी ने वीआईपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित भी किया। आप उसको भगवान का रूप दीजिएगा, अगर किरदार समझ में आएगा तो उसको शैतान का रूप दीजिएगा, किरदार समझ में आ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर आप कहिएगा, और किरदार समझ में आ गया तो आप रावण कहिएगा। उसी तरीके से हर व्यक्ति का किरदार है, मेरी भी किरदार है। इस दौरान मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार को दहशत पैदा करने वाला तानाशाह सरकार और लोकतंत्र के लिए खतरा बता डाला। अभी तानाशाह सरकार है देश में और वो जमीन उसकी खसक चुका है, वो सिर्फ दहशत बनाना चाहता है देश पे कि नहीं अभी भी हमारे पास पावर है, और वो पैसे के दम पर आप देखिए ना देश कहाँ पहुँच रहा है। आटा पे जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, छाछ पे जीएसटी लागू कर रहे हैं, नौकरी 4 साल का सरकारी नौकरी कर दिए, आप बताइए 4 साल का सरकारी नौकरी आप बताइए कि किस तरीके से देश जा रहा है। एक जगह बड़े बड़े उद्योगपति को 27 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज माफ कर दे रहे हैं,
और एक तरफ एक गरीब का बेटा अगर 5 लाख रुपया लोन लेने के लिए जाए तो उसको आप 6 महीना भत्ता खिलाते हैं, उसके सारे जमीन जायदाद लिखा लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं। और एक तरफ अन्नाडी है जिसको 6 लाख करोड़ रुपया लोन दे देते हैं, वो लोन लेके भाग भी जाते हैं। कुछ लोगों को आप माफ कर देते हैं, वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं, यानी कि पटना से वो दिल्ली जाना है तो 15 लाख रुपया खर्चा करता है। अभी हमारे जैसे लोगों को दिल्ली जाना है तो 6,000 खर्चा करते हैं। वो जनता का पैसा को दुरुपयोग करते हैं और तो फिर कंपनी लॉस में होगा, और जब कंपनी लॉस में होता है तो भारत सरकार उनको कुछ माल पानी लेकर उनको माफ़ कर देता है, और जब माफ़ कर देता है तो भारत सरकार का खजाना में दिखता है कि कम है पैसा, तो कैसे पैसा आएगा, तो चलो आटा पे टैक्स लगा दो, दूध पे टैक्स लगा दो। तो इस तरीके का आज देश चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है। इसके साथ ही जेडीयू नेताओं के वीआईपी में शामिल होने पर सहनी ने विश्वास जताते हुए कहा है कि इन लोगों के आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। अब जेडीयू से एक साथ इतने लोगों के निकल जाने से जेडीयू पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुकेश सहनी ने जेडीयू में बड़ी सेंधमारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी वीआईपी का दामन थामा है। प्रदेश में कभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने जेडीयू को अब तगड़ा झटका दिया। गोपालगंज के जेडीयू के वरिष्ठ नेता आलोक पटेल को अपने समर्थकों के साथ मुकेश सहनी ने वीआईपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित भी किया। आप उसको भगवान का रूप दीजिएगा, अगर किरदार समझ में आएगा तो उसको शैतान का रूप दीजिएगा, किरदार समझ में आ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर आप कहिएगा, और किरदार समझ में आ गया तो आप रावण कहिएगा। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति का किरदार है, मेरी भी किरदार है। इस दौरान मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार को दहशत पैदा करने वाला तानाशाह सरकार और लोकतंत्र के लिए खतरा बता डाला। अभी तानाशाह सरकार है देश में और वो जमीन उसे खसक चुका है, वो सिर्फ दहशत बनाना चाहता है देश पे कि नहीं अभी भी हमारे पास पावर है, और वो पैसे के दम पर आप देखिए ना देश कहाँ पहुंच रहा है। आटा पे जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, छाछ पे जीएसटी लागू कर रहे हैं, नौकरी 4 साल का सरकारी नौकरी कर दिए, आप बताइए 4 साल का सरकारी नौकरी आप बताइए कि किस तरीके से देश जा रहा है। एक जगह बड़े बड़े उद्योगपति को 27 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज माफ कर दे रहे हैं। और एक नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।